नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों से पीएम मोदी ने की बात। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत भागलपुर के 3 बच्चों को मिली राशि। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाओं ने किया वट सावित्री पूजन। वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांध कर अचल सुहाग की कामना। बिहार की बेटी माहिनूर को न्याय दिलाने के लिए राज्य के कई जिलों में निकाला गया कैंडल मार्च। दोषियों को फांसी देने की कर रहे हैं मांग। मासूम की दर्दनाक मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश। सड़क जाम कर की मुआवजे की मांग। और कटौन निरोधी कार्य का अधीक्षण अभियंता ने किया निरीक्षण। 15 जून तक कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों के खाते में राशि डाला, जिसमें भागलपुर के भी 3 बच्चे अमन, मेघा और अर्चना शामिल है। वहीं समीक्षा भवन में प्रभारी जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी की अगुवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड भी सौंपा, साथ ही बच्चों का हाल भी जाना। इस दौरान प्रतिभा रानी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए थे, ऐसे बच्चों के अकाउंट में स्वास्थ्य कार्ड और पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत राशि डाली गई है, जिसमें भागलपुर के 3 बच्चे भी शामिल थे। आज जो है कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी, तो ऐसे जो बच्चे हैं इनको माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से पीएम केयर्स प्रोग्राम के तहत उनको लाभान्वित किया जा रहा है। ऐसे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा, ध्यान, इन सभी के बारे में पीएम केयर्स फंड से उन सभी बच्चों को आर्थिक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई समुचित तरीके से किया जा सके। उसी के संबंध में आज एक लाइव इंटरैक्शन सेशन था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश भर में सभी ऐसे बेनिफिशियरीज को जो है संबोधित किया गया, एवं इन बेनिफिशियरीज के बीच एक किट का वितरण किया गया, जिनमें उनसे संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध है, जैसे उनका जो पासबुक है जिसमें उनको आर्थिक हेल्प उपलब्ध कराया गया है, और उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, हेल्थ कार्ड बनाया गया, ये सारी चीज़ें संलग्न करके उनको एक इस फोल्डर में उपलब्ध कराई गई है। उनके गार्जियन को भी बताया गया है कि इसका ठीक से ध्यान रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि बच्चे का देखरेख ढंग से हो सके। अपने सुहाग की रक्षा और पति की दीर्घायु होने को लेकर सोमवार को सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत और वट वृक्ष का पूजन किया। सोमवती अमावस्या के दिन हुए वट सावित्री पूजन को लेकर महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हुए वट सावित्री पूजन किया, जिसमें बरगद के वृक्ष के समक्ष पूजा अर्चना कर सुहागिनों ने वट वृक्ष की परिक्रमा पर कच्चा धागा बांधा। इसको लेकर भागलपुर में सुबह से ही मंदिरों और वट वृक्ष के समीप महिलाओं के पहुँचने का सिलसिला दिखाई दिया। सुहागिनों ने वट वृक्ष में कच्चा सूत बांध कर अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। वहीं वट वृक्ष को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिसमें इस पेड़ की लंबी नीचे की ओर लटकी शाखाएं देवी सावित्री का रूप मानी जाती है, जबकि यह भी मान्यताएं हैं कि वट वृक्ष की जड़ों में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु एवं डालियों में भगवान शिव का निवास होता है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष की छांव में ही देवी सावित्री ने सतीत्व के बल पर अपने पति सत्यवान को पुनर्जीवित किया था, जिसको लेकर महिलाएं अपने अचल सुहाग की प्राप्ति के लिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यह सुहाग का पर्व सत्यवान सावित्री की भी सत्यवान के लिए, तो उनका जीवन में वापस आ गया, बहुत ज्यादा पति को मौत के मुंह से जीत के लाए सावित्री। अच्छा, तब से ये पूजा हो रहा है पति के लिए। वट सावित्री की पूजा माता सावित्री से हम लोग प्रेयर करते हैं। हमारे पति की उम्र वट के समान है और हमारे घर में सुख समृद्धि
और शांति हमेशा कायम रहे, बस माता से यही आशीर्वाद। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये उपाय। कटिहार जिला के आजम नगर प्रखंड के पिस्तिया ग्राम की नाबालिग छात्रा माहिनूर की नृशंस हत्या के विरोध में राजधानी पटना समेत कई जिलों में आंदोलन तेज हो गया है। लोग दुष्कर्मियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। रविवार की शाम भागलपुर में भी छात्रों और आम जनों ने बीएन कॉलेज से स्टेशन चौक तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान युवाओं ने कटिहार जिला एवं पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, साथ ही मृतिका को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कैंडल मार्च में डॉक्टर सलाहुद्दीन अहसन, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल, आयसा नेता प्रवीण कुशवाहा, विकास सिंह, मोहम्मद शाहिद समेत अल्पसंख्यक छात्रावास और विभिन्न लॉजों के दर्जनों छात्र शामिल थे। लोगों ने बताया कि पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज आता है जिसमें बताया जाता है कि छात्रा के साथ रेप नहीं किया गया है और कोई बाहरी चोट भी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि पुलिस मामले की लिपापोती करके मुखिया के भाई कुसुम लाल को बचाना चाहती है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व कटिहार से माहिनूर के परिजन शव को लेकर पोस्टमार्टम कराने भागलपुर आए थे। पोस्टमार्टम कराने आए परिजनों का कहना था कि कटिहार के डॉक्टर को आरोपी ने मिलाकर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवा लिया है, इसलिए वे लोग भागलपुर में दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं ताकि दरिंदों को फांसी की सजा मिले। कटिहार के निर्भया के साथ इंसाफ नहीं होगा। आज जब दिल्ली में ऐसा घटना हुआ, बड़ा शहर था, बड़े लोग थे, बड़े नेता थे, उन्होंने सत्ता बदलने का काम किया। हम भी चाहते हैं कि बिहार की सरकार जगे और उस लड़की के वालदैन को, उसके गार्जियन को उसका इंसाफ मिले। कम से कम जो प्रशासन ये काम कर रही है, उसके जो जिसने जुर्म किया ऐसा, उसको पकड़ने का भी काम नहीं कर रही है। उस लड़की के साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ और प्रशासन चुप मुख दर्शक बनी है। नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन धरातल पर वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा। और आज जनता सड़क पर भागलपुर में आई है, कटिहार का मामला भागलपुर में आई है, इसलिए आई है कि सरकार जगे और इंसाफ देने का काम करे। जनता साथ जो है उम्मीद की नई किरण भी उठी, वो कि मैं कटिहार के डीएम और भागलपुर के डीएम, दोनों डीएम साहबों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तत्परता दिखाया। लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जो है वो लीपापोती में लगा हुआ है। आपने नहीं है कि तमाम जो है ये नारा लगता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अब बताइए कि जो बच्ची मेडिकल के जो है तैयारी कर रही और गरीबी के हालत में जो है पढ़ रही थी, उसका जो है भेड़ियों ने बलात्कार किया और मर्डर कर दिया। नाथनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में रविवार को मिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आ जाने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना को लेकर परिजनों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर सोमवार को स्थानीय लोगों ने बांस बल्ला लगाकर श्रीरामपुर से गोसाईदासपुर जाने वाले रोड पर घंटों आवागमन बाधित कर दिया। बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रही मिट्टी लदे ट्रैक्टर के चपेट में आ जाने से बच्चे की मौत हो गई थी। मृतक बच्चे की पहचान श्रीरामपुर गांव निवासी रंजीत मंडल के पुत्र साजन कुमार के रूप में की गई थी। वही घटना को लेकर गांव के सरपंच रंजीत कुमार ने बताया कि एक गरीब निसहाय घर का इकलौता पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं इसको लेकर ग्रामीण ने रोड जाम कर जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा तत्काल उचित मुआवजे की मांग करने लगे। मतलब मेरे गांव में ट्रैक्टर से एक 10-11 साल का बच्चा धक्का लग गया और उसका घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गया। और वो रंजीत मंडल का लड़का था, ग्राम श्रीरामपुर, इकलौता बच्चा था वो। उनके परिवार बहुत गरीब हैं, निसहाय गरीब हैं। हम लोग लाश को यहाँ पे खड़े हैं इसलिए कि वरीय पदाधिकारी आ करके जो उनका तत्काल मुआवजा होता है वो तत्काल मुआवजा दे, और सरकार के द्वारा जो उनको उचित मुआवजा मिलने वाला है आपदा प्रबंधन विभाग से या DTO विभाग से, परिवहन विभाग से, उनका यहाँ पे जो भी उचित मुआवजा होता है उसका व्यवस्था करें। ये ट्रैक्टर से है, ट्रैक्टर स्थानीय ट्रैक्टर ही है, उसी से धक्का लगा है। नवगछिया के इस्माइलपुर एवं गोपालपुर प्रखंडों को बाढ़ एवं कटाव से बचाने के लिए चल रहे कटाव निरोधी कार्य का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता इंजीनियर शशिकांत सिन्हा ने किया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता ने कहा कि कार्य की प्रगति ठीक नहीं है। उन्होंने 24 घंटे काम कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक काम 30% ही पूरा हो पाया है, जबकि जानवी चौक से इस्माइलपुर तक तटबंध निर्माण कार्य
कार्य 65% पूर्ण हो चुका है। 15 जून तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अधीक्षण अभियंता ने कहा कि इस्माइलपुर से जानवी चौक के बीच बनने वाले तटबंध पर सलोईस गेट पर फाटक लगाने का काम टेक्निकल विभाग की ओर से शुरू कर दिया गया है। वहीं इस्माइलपुर जिला पार्षद विवेक मंडल ने बरसात से पूर्व काम कराने की मांग की है, साथ ही जमीन अधिग्रहण की समस्या का निदान करने की बात कही। मौके पर अभियंता दिनेश कुमार, सुधाकर कुमार सहित विभाग के कर्मी मौजूद रहे। पिछले बार तो जो नया बांध बना जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर, हम लोग उस पर लगे हुए थे, चूँकि ये 2008 का बांध है, इस पर कभी कोई उतना दबाव नहीं था, नहीं लगता था। जिस समय बांध कटा उसमें 7 फीट ऊपर पानी था, फिर भी बांध कटा तो हमको लगता है उसमें संरक्षण की कमी रही, जिस वजह से कटा, देखभाल की कमी रही। तो हम लोग उस नए वाले बांध पे लगे हुए थे जो टूटने वाला था, हम लोग बोरा से 1.5 से 2 फीट पानी रोक कर रखे हुए थे। लेकिन इस बार बांध सही से रहेगी, मेरे वो बांध तो लगभग 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा, इस पे भी रिस्टोर का कार्य हो रहा है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सभी वामपंथी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर के सभी चौक चौराहों पर हाथों में बैनर और स्लोगन लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान CPI के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सदस्यों का कहना था कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, बुलडोजर सरकार नहीं चलेगी, रोको महंगाई, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम, बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी, पेट्रोल डीजल का दाम पर अंकुश लगाने की मांग की है। CPI के जिला सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि जन अभियान का समापन है, समापन में प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार स्मार्ट सिटी, जल जीवन हरियाली के नाम पर सरकार गरीबों का आवास उजाड़ रही है, किसी भी भूमिहीन और गरीबों को नहीं उजाड़ा जाए, सरकार की ओर से इनका वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। कानून बना है कि भूमिहीनों को जमीन देंगे, सरकार जमीन नहीं दे रही है, जमीन भूमि चोरों के पास पड़ा हुआ है, उल्टे प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है। हमारी मांग है जो लोग जिस जमीन पर बसे हुए हैं उसी जमीन का प्रचार निर्गत किया जाए। आज वाम दलों द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान है महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। पूरे देश में हमारा इस महीने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जन अभियान चला, उस जन अभियान का आज समापन है और आज हम प्रदर्शन के माध्यम से बेलगाम महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाने की मांग सरकार से करने के लिए यहां पर आए हैं। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के नाम पर और जनजीवन हरियाली के नाम पर जो सरकार गरीबों और भूमिहीनों को उनके आवास को उजाड़ रही है, उसके बसाव की हम मांग कर रहे हैं। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी भी भूमिहीन और गरीबों को उसके घर से नहीं उजाड़ा जाए और उसकी मुकम्मल व्यवस्था करें। कानून बना है भूमिहीनों को जमीन देंगे, सरकार जमीन नहीं दे पा रही, जमीन भूमि चोरों के पास पड़ा हुआ है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर की ओर से सोमवार को सनहोला प्रखंड परिषद स्थित सिल्क भवन में आयोजित खरीफ महाअभियान 2022 है प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण एवं उपादान वितरण शिविर का शुभारंभ कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव, जिला परिषद सदस्य नाजिनी नाज, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रिका कुमारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी विनय शंकर सहित अन्य अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित
कर किया। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने शिविर में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, श्रीविधि जीरो टीलेज बीज ग्राम, हाइब्रिड बीज, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खेती, वानिकी प्रौद्योगिकरण, बायोगैस उत्पादन एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े अवधारणाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करने से न सिर्फ किसानों को अधिक आय होगा वरन जलवायु पर भी इसका दुष्प्रभाव कम पड़ेगा। जैविक खेती की जानकारी के साथ किसानों को वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन की जानकारी भी दी गई। मौके पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कुमार, चंद्रशेखर आजाद, कृषि कोऑर्डिनेटर सुभाष सूर्य, रिमझिम कुमारी, महेश कुमार, टुनटुन पासवान समेत कई किसान मौजूद थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर खरीफ रबी सीजन आरम्भ होने के पूर्व कृषि विभाग की ओर से आत्मा के सौजन से हम लोग हर प्रखंड में कर्मशाला करते हैं, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा तकनीकी जानकारी दी जाती है, विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा योजना की जानकारी दी जाती है। इसका उद्घाटन माननीय विधायक कहलगांव श्री पवन कुमार यादव ने के कार्यक्रमों द्वारा हुआ है, और इसमें प्रमुख महोदय भी थे, जिला परिषद भी, कई पंचायतों के मुखिया। नवगछिया हरीक प्रखंड के अकीदतपुर पंचायत वार्ड नंबर 6 में सोमवार को प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत प्रगति बाल विद्यालय केंद्र का शुभारंभ हरीक प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र से पूर्व जिला परिषद सदस्य रहे विजय मंडल के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान विजय मंडल ने बताया कि शिक्षा उनके क्षेत्र की पहली प्राथमिकता है, जिससे क्षेत्र के सभी बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रगति बाल विद्यालय का शुभारंभ किया गया है, जिसमें छोटे छोटे नौनिहाल को निशुल्क शिक्षा के साथ जरूरत का सामान उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद प्रगति बाल विकास योजना के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन कुमार पासवान ने बताया कि उनके संस्था का लक्ष्य है जिले के सभी वार्ड में प्रगति बाल विद्यालय एवं प्रगति शिशु विद्यालय स्थापित कर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा, कॉपी किताब, ड्रेस और हेल्दी पोषाहार उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि अकीदतपुर वार्ड 6 में प्रगति बाल विद्यालय को संचालित करने के लिए बाल सेविका पद पर अर्चना कुमारी को दक्षता परीक्षा पास करने के उपरांत नियुक्ति पत्र देकर पद स्थापित किया गया है। मौके पर भागलपुर प्रखंड समन्वयक रंजीत कुमार राम, कृष्णदेव भारती, हवेली खड़गपुर प्रखंड समन्वयक विक्रम कुमार, वार्ड सदस्य समता देवी, समाज देवी बबलू दास, मदन मंडल, बिहारी मंडल, निखिल कुमार सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। भागलपुर डीएन सिंह रोड स्थित कौशल प्रशिक्षण केंद्र क्रिएशन में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, भाजपा नेता रोशन सिंह, सत्यानंद जी महाराज, कुणाल कुमार, इंजीनियर विक्रांत भैवव, सज्जन कुमार और आगत अतिथियों ने किया। इस दौरान जिले का नाम रोशन कर रही संस्था क्रिएशन के 54 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया गया। निदेशक उत्तम झुंझुनवाला ने बताया कि क्रिएशन से प्रशिक्षण लेने वाले करीब 400 स्टूडेंट्स को नौकरी मिली है। साथ ही बताया कि केवाईपी केंद्र से प्रति वर्ष 15 लाख से अधिक का पैकेज प्राप्त हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व में क्रिएशन की संचालिका मेघा झुंझुनवाला को राज्यपाल ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका सम्मान से नवाजा है। भागलपुर हटिया रोड स्थित नासवी कार्यालय में सोमवार को स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिधि योजना के क्रियान्वयन पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स असंगठित मजदूरों की तरह ही गंभीर रूप से प्रभावित होने की बात कही गई, जबकि अनलॉक में वेंडर्स की आजीविका को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना का लाभ लेने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन और नगर निकाय में आपसी समन्वय के अभाव के कारण फुटपाथ दुकानदार को प्रताड़ना के शिकार होने और पहचान पत्र के लिए वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करने के बावजूद दुकानदार को आए दिन उजाड़ने का आरोप नासवी एवं फुटपाथ विक्रेता संघ की ओर से लगाया गया। इस दौरान पीएम स्वनिधि के लोन देने में बैंकों की उदासीन रवैया के खिलाफ शिकायत के लिए शिकायत निवारण कमेटी का गठन करने की मांग वेंडर्स ने की। अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण अभियान को अविलंब रोका जाए और इसमें शामिल अभियान दल के सदस्यों द्वारा गरीब वेंडर के सामानों को लूटपाट करने वाले कर्मियों के ऊपर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई करने की बात कही। नास्ती के अधिकारियों ने कहा कि जिन वेंडर्स को सर्टिफिकेट ऑफ वेटिंग एवं पहचान पत्र नहीं दिया गया है, उन्हें जल्द से जल्द पहचान पत्र दिया जाए, जबकि राज्यों में
चक्रवात निवारण तंत्र के गठन के लिए सख्त परिपत्र जारी करने की बात कही गई। इस दौरान स्ट्रीट बेंडिंग के सभी पहलुओं पर चर्चा कर निर्णय लेने के लिए अधिनियम द्वारा गठित टाउन बेंडिंग कमेटी की नियमित बैठक करने की बात कही गई। वहीं कार्यक्रम को नास्ती के कार्यक्रम निदेशक श्वेता दत्ता, कार्यक्रम प्रबंधक श्याम शंकर दीपक, नगर प्रबंधक राजीव कुमार, बिहार राज्य फुटपाथ स्वावलंबी सहकारी समिति के अध्यक्ष नंदलाल राम एवं भागलपुर फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे फुटपाथ विक्रेता बंधुओं का जो समस्या है, समस्या को आप जानें और उसके साथ साथ जो पथ विक्रेता अधिनियम 2014 है, इस 14 को इम्प्लीमेंट करने में कहां कहां त्रुटियां हो रही है और उस त्रुटि के हिसाब से जो नगर निकाय को करना चाहिए और वो नहीं कर रही है, और हमारे उसके हिसाब से हमारे पथ विक्रेताओं का जो मांग है उस मांग के सिलसिले में आपको अवगत करवाने के लिए आज का यह कार्यक्रम रखा गया है, ताकि जो है आपके माध्यम से सरकार तक, समाज तक उत्पाद विक्रेताओं का जो है बात जो है पहुंच सके। तो यही आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस बार मेरा भागलपुर में पहला विजिट है और यहाँ पे आके ये देखा कि यहाँ पे भी अलग अलग जगह नगर निगम की तरफ से साइनबोर्ड्स लगाए हुए हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वेंडिंग जोन है। जैसे कल मैं गई थी घंटा घर वाले वेंडिंग जोन में, और उस बोर्ड के सामने से ही सबको हटाया जा रहा है। एविक्शन वहीं से हो रहा है, 25 तारीख को हुआ था। फिर जो वहाँ के वेंडर्स है वो जाके नगर निगम में वो गए भी और कमिश्नर से मिले भी, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है हम नहीं हटाएंगे, इधर उधर आप लोग लगा लीजिए, फिर से हम सर्वे करेंगे। लेकिन ऑलरेडी उन लोगों का 3-4 बार सर्वे हो चुका है, लेकिन उन कमिश्नर से बात करने के बाद भी 2 दिन बाद फिर से 27 तारीख को फिर से 2-3 जगह दुकानों को हटाया गया है। भागलपुर बाद थाना क्षेत्र के दीनदयालपुर गांव से 4 दिन पूर्व अचानक गायब हुआ 13 वर्षीय बालक सकुशल घर पहुंच गया। बच्चे के वापस घर लौट आने से परिजनों में काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं बच्चे ने बताया कि 25 मई की शाम वह चप्पल खरीदने के लिए मासूमगंज बाजार गया था। इसी दौरान गाँव के ही पप्पू दुबे अपने सहयोगियों के साथ उसके पास आए और कपड़ा सुंघा कर उसे बेहोश कर दिया। उसने बताया कि जब उसे होश आया तो उसने खुद को खगड़िया में पाया, जिसके पास फिर उसे बेहोशी की हालत में मुंगेर लाया गया। इस दौरान अपहरण करने वाले लोगों ने उसे ऑटो पर बैठा दिया। मासूमगंज पहुंचने पर बच्चे ने अपने चाचा को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे, जहां बच्चे को सुरक्षित देख राहत की सांस ली। वहीं लापता बच्चे के पिता राजेश पांडे ने बताया कि पुत्र सही सलामत घर पहुंच गया है। पड़ोसी पप्पू दुबे के द्वारा उसके पुत्र किशन कुमार का षड्यंत्र कर अपहरण कर लिया गया था। फिलहाल बात थाना पुलिस पूरे मामले से अनजान बनी हुई है। हमको धमकी दिया था। कौन धमकी? वही उसका आदमी। क्या बोला? का बोला कि उसका नाम तुम बोल देगा ना, कभी पूछेगा तो पप्पू दुबे का। हाँ। तो हम तुम्हारा तीनों भाई को उठा लेंगे। वही बोले कि हम कि तो आप मेरा तीनों भाई को चिन्हते हैं, तुम हम मेरा फोटो दिखाया लेकिन मेरा भाई का नहीं दिखाया फोटो। बोला तीनों भाई को उठा लेंगे। हाँ। उठा क्या करेंगे? वही बोला जो जैसे तुमको हम रख रहे हैं वैसे रखेंगे, लेकिन तुमको तो हम जिंदा भेजेंगे, उसको ना भेजेंगे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 5 दिवसीय भागलपुर क्रिकेट लीग की शुरुआत आज से हो गई। मैच का उद्घाटन समाज सेवी विजय कुमार यादव, भाजपा नेता बंटी यादव, भागलपुर के सार्जेंट मेजर के शर्मा, भागलपुर क्रिकेट संघ के सचिव आनंद मिश्रा सहित आगत अतिथियों ने खिलाड़ियों को परिचय प्राप्त कर और बल्लेबाजी एवं गेंदबाजी कर किया। उद्घाटन मैच तिलकामांझी फाइटर्स और घंटाघर चैंपियंस के बीच खेला गया, जिसमें तिलकामांझी फाइटर्स विजेता रही। इस दौरान आयोजक विजय कुमार यादव ने युवाओं के सर्वांगीण विकास को लेकर उनके खेल को निखारने की बात कही। वहीं भाजपा नेता बंटी यादव ने विजय कुमार यादव के प्रयास की जमकर सराहना करते हुए इससे भागलपुर के युवाओं को क्रिकेट के क्षेत्र में बढ़ावा देने वाला करार दिया। पहली बार भागलपुर में IPL की तर्ज पर T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन से क्रिकेट खिलाड़ी और खेल प्रेमी काफी उत्साहित दिखे। आज का कार्यक्रम ये भागलपुर क्रिकेट लीग का भव्य शुभारंभ हुआ है अभी, और ये पूरी तरह IPL के तर्ज पर ये खेला जा रहा है। ये मैच ये लगातार जो है 5 दिनों का मैच है और 5 तारीख को इसका फाइनल होने जा रहा है, और ये भागलपुर के युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा दिखाने का अवसर है। यहाँ पे लोग प्रतिभा दिखा के जो है इंडिया के लिए खेले और बेहतर यहाँ से प्रदर्शन करके अच्छा जो देश का नाम रोशन करें। भागलपुर क्रिकेट लीग का जो आयोजन संडिस कंपाउंड में पूरे क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा और हमारे छोटे भाई विजय यादव जी के सौजन्य से जो इस क्रिकेट का आयोजन किया गया,
मैं सबसे पहले दोनों को धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना बढ़िया आयोजन कराया जिससे आने वाले युवा इससे सीख लेंगे और आगे कार्यक्रम जो युवा हैं उनको ऊपर अपने कार्यक्रम इस खेल को दिखाने से ऊपर इनका अच्छा प्रदर्शन से ऊपर बिहार के लेवल पे और नेशनल लेवल पे ये कैसे खेलेंगे उसका ये प्रतीक होगा। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों से पीएम मोदी ने की बात। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत भागलपुर के 3 बच्चों को मिली राशि। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाओं ने किया वट सावित्री पूजन। वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांध कर अचल सुहाग की कामना। बिहार की बेटी माहिनूर को न्याय दिलाने के लिए राज्य के कई जिलों में निकाला गया कैंडल मार्च। दोषियों को फांसी देने की कर रहे हैं मांग। मासूम के दर्दनाक मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश। सड़क जाम कर की मुआवजे की मांग। और कटाव निरोधी कार्य का अधीक्षण अभियंता ने किया निरीक्षण। 15 जून तक कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।